वहीं कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 78वें दिन भी जारी है। किसानों का कहना है कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। वहीं किसानों ने कहा कि सरकार जब तक मांगे नहीं मानती तब तक वे वापस जाने वाले नहीं हैं। तो सुना आपने, संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से ये अपील आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए की जा रही है। किसान नेताओं का मानना है कि जब तक भीड़ नहीं बढ़ेगी तब तक सरकार पर दबाव भी नहीं बनेगा। देखिए, जो 26 को लोग आए थे वो दो रोज के लिए हमने बुलाए थे, वो लोग दो रोज के लिए आए थे इसलिए वापस चले गए। तो जो आपको नहीं, हम कहते जो गोदी मीडिया जिसको बोलते खासतौर पर, उन्होंने दिखाया कि लोग वापस चले गए वापस चले गए, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि कुछ निराशा पैदा हुई इससे। तो उसको बढ़ाने के लिए हमने ये बात बोली है कि भाई अभी संख्या बढ़ाएं, यहाँ पर ऐसे कम नहीं हुई है, संख्या पहले से ज्यादा है। हमने देखा पीछे तक, वो केएमपी तक देखा कि यहाँ पर एक एक ट्रॉली लगी थी, वहाँ चार चार लगी हुई है, लेकिन फिर भी लोग ट्रॉलियों में से निकल के स्टेज पे कम आ रहे हैं। तो उनको बोला आप स्टेज पे आइए, और सबको बोला है कि संदेश दो अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों को कि यहाँ संख्या बढ़ाओ। जब 26 जैसी संख्या हो जाएगी तो फिर सरकार पे दबाव आएगा कि ये लोग जो गए थे फिर वापस आ गए, ये ऐसे जाने वाले नहीं है, तब जाकर ये सरकार झुकेगी। तो इसलिए हमने अपील की है लोगों को कि सब यहाँ पर फिर आओ। किसान नेताओं के मुताबिक 26 जनवरी के पहले आंदोलन में काफी भीड़ थी, उसके बाद लोगों में डर फैलाया गया, जिसके बाद कुछ लोग घर लौट गए थे, लेकिन अब सभी वापस आ रहे हैं। हालांकि सिंगू बॉर्डर पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे कैथल और सोनीपत से आए किसान अभी भी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लंबा के अगर कानून वापस नहीं हुए तो बहुत लंबा होगा, और तीनों कानूनों की वापसी और MSP पे कानून बने और जितने गिरफ्तार किए गए आंदोलन में सभी की रिहाई। ये जो कहा जा रहा है कि बकाने की तो कोई इसमें बात ही नहीं है सर, इसमें तो अपने आप ही सभी जो जमींदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, जज हैं, सभी किसानों के पुत्र हैं, इसमें बकाने वाली कौन सी बात है जी। जब जमींदार के पास कुछ नहीं रहेगा तो और क्या करेंगे, ये तो रोड पे आ गए हैं जी। जब तक ये तीनों कानून MSP नहीं की गारंटी होगी नहीं, तब तक नहीं उठेगा। चाहे यहाँ आपने कैसे सोच लिया कि जमींदारों के पास कुछ रहेगा ही नहीं? नहीं, ये तो पढ़े लिखे हैं हमारे बच्चे, उन्होंने बताया हमारे को कि इसके होने के बाद तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। पीछे हटने वाले नहीं है किसान, किसी के बकावे में नहीं है। हम अगर देखें TV पर मेन चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरे से गुजर चुकी है। मैंने आलू लगाए हैं, मेरे साथ वही काम फ्रॉड वाला काम हुआ है, मेरा आलू खराब हो गया और कंपनी मेरे को पूछने नहीं आई, और अब आ गई है 3 महीने बाद भी तू मैं हमारे को आलू पाड़ के दे। उससे पहले उसने मुझे कुछ नहीं पूछा और कह रही है अभी आलू देना ठीक है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। ये तो मेरे आप बीत चुका है सब कुछ, मैं किसी से सुनना नहीं चाहता। इस बीच 26 जनवरी की घटना के बाद जेल में बंद आंदोलनकारियों की रिहाई को लेकर TDI मॉल से सिंगू बॉर्डर तक मार्च निकाला गया, जिसमें 26 जनवरी की घटना में गिरफ्तार दीप सिद्धू की रिहाई के लिए भी पोस्टर लगाए गए। कल तक दीप सिद्धू को सरकार का आदमी बताने वाले किसान नेता अब पूरे मामले में सरकार की ही साजिश बता रहे हैं। नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई, अभी इसके लिए सरकार ने, जैसे नरेंद्र मोदी जी का बयान आया था कि एक कॉल की दूरी है, तो हमने उनको बोला था कि जो हमारे किसान आपने नजायज तौर पे अंदर पकड़ के रखे हुए हैं, जेल में डाले हुए हैं, जिन्होंने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, गुस्साए हुए लड़के चले गए, तो अगर उनको आप नहीं छोड़ते तो बात कैसे होगी। माहौल को ठीक करें, माहौल अच्छा बनाएं, फिर एक कॉल की जो बात है, अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हम कर लेंगे, लेकिन हमारे साथी सब जो हैं उनको छोड़िए। तो जब छोड़ोगे फिर माहौल अच्छा बनेगा, फिर बातचीत होगी। हम कभी टेबल टॉक से भागे नहीं, फिर जाएंगे बात करेंगे, कोई बात नहीं। एक सवाल दीप सिद्धू को लेकर भी है कि उनकी रिहाई की मांग भी हो रही है, एक तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं थे, वो सरकार से मिले हुए थे। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला कि सरकार के साथ मिले हुए थे, पहली बात तो ये है कि मैंने तो ये बोला कि देखिए, सरकार को हमने बोला कि सभी कृषि कानून जो है इनको आप रिपील करो, उनसे हमने रिंग रोड मांगा,
जब रिंग रोड मांगा तो सरकार ने ना तो कानून रिपील किए ना रिंग रोड दिया, तो कहीं ना कहीं लड़कों में नौजवानों में गुस्सा भरा हुआ था, तो गुस्साए हुए बैरिकेड तोड़ के अंदर चले गए। उसमें मैं किसी का दोष नहीं मानता, मैं मानता हूं उसमें सबसे बड़ा दोष सरकार का है, सरकार दोषी है। अगर सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रिपील किया होता तो ये 26 वाला बवाल पैदा नहीं होता, सब लोग अपने घरों में चले जाते तो इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा होता। तो ये सारी इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की है, वो नरेंद्र मोदी सरकार की है। मैं किसी और को दोषी नहीं मानता, मैं दोषी मानता हूँ नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार को। कुल मिलाकर आंदोलन जारी है, बातचीत के लिए माहौल बनाने का जिम्मा भी किसानों ने सरकार पर छोड़ रखा है, जिसमें जेल में बंद आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग सबसे ऊपर है। जाहिर तौर पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आंदोलन का फिलहाल कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।